नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेंसन ने प्रवासी पेरेंट्स के बच्चों को छीनने के मामले में लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को संबोधित करते हुए कहा कि बाइबल भी कहता है कि सरकार के नियमों का पालन करें, क्योंकि ईश्वर ने सरकार को अपने उद्देश्यों के लिए नियुक्त किया है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार अमेरिकी सीमा में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले पेरेंट्स से उनके बच्चों को जबरन अलग कर रही है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, इस वर्ष के जेईई एडवांस के खराब प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार ने आईआईटी के दाखिले के लिए होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट में तब्दीली करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस वर्ष तकरीबन 1000 सीटें खाली रह गई थी, जिन्हें भरने के लिए बाद में कट ऑफ लिस्ट में गिरावट करनी पड़ी थी। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, गुजरात हाई कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारी और मंत्री समाज के लिए भारे के गुंडे से ज्यादा नुकसानदेह है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विकास के लिए समाज का भ्रष्टाचार मुक्त होना बहुत जरूरी है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ल ने कहा कि काला धन अब जन धन बन गया है, क्योंकि तिजोरियों में बंद पड़ा यह धन अब लोगों के काम आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शून्य बैलेंस से 35 करोड़ खाते खोले गए और अब इन खातों में 85,000 करोड़ रुपए हैं। और बड़ी खबरों में पांचवे नंबर पर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा सरकार ने दिल्ली के सराय काले खां से शाहजहांपुर निमराना बहरोड रोड के पास हरियाणा राजस्थान सीमा तक एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस नए परियोजना से गुरुग्राम और दक्षिण हरियाणा में विकास एवं निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, आरएसएस से जुड़ी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने 23 जून से गांव से पलायन रोकने के लिए एक पद यात्रा की शुरुआत कर रही है, जो 95 दिनों में 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर 2,000 से अधिक गांव में जाएगी और लोगों को गांव में ही रोजगार के बारे में जागृत करेगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का स्लोगन है, मंदिर शिक्षा का केंद्र बने और समाज सरोकार से जुड़े। और इस बारे में स्वदेशी जागरण मंच के यूपी के संगठन मंत्री अजय कुमार ने कहा कि इसके जरिए हम गांव से पलायन को रोकने की कोशिश करेंगे। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का नाम तय करने के बाद यू टर्न लेते हुए कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि मूर्ति का उम्र और अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण वे यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कुमार स्वामी 6 जून को मूर्ति के घर पर जाकर उनसे मिले थे। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने सरकारी बंगला खाली करने के बाद अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने घर में पूजा और पूजा के बाद का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि आज हमारा गृह प्रवेश पूजा हुई और आप सबके आशीर्वाद से नए घर में प्रवेश का शुभ कार्य भी सम्पन्न हुआ। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, पिछले 5 दिनों से एलजी हाउस में धरने पर बैठे केजरीवाल सरकार के बारे में एक चौंकाने वाली खबर आई है, जिसमें डॉक्टर की टीम ने जब केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका चेकअप किया तो उनका वजन तकरीबन 2.5 किलो बढ़ा हुआ मिला, जिससे सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के टीम के भूख हड़ताल की पोल खुलती नजर आ रही है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीएम केजरीवाल के एलजी हाउस पर धरने का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी भी लंबे समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है, ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वे जनहित में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे।
और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले भविष्य में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर की आलोचना करते हुए कहा कि वे अभी बालक हैं और वर्तमान सरकार रास्ते से भटक चुकी है। अभी तो महज 5 महीने हुए हैं, उन्हें तो 5 साल का लंबा सफर तय करना है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, दिल्ली एसडीएमसी ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि 10 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के ऑनरों को दिल्ली में एंट्री के लिए फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का टैग लगाना जरूरी होगा। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का डीएनए है, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का संविधान और नियत, लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ भाषण देते हैं क्योंकि उनके डीएनए में खोट है। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण से संपन्न हो और यह जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम समाज के तमाम लोगों का भी है। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सीमा पार से कोई शरारत ना हो। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता के साथ शनिवार को 7 दिवसीय 3 देशों की यात्रा पर यूनान, सूरीनाम और क्यूबा के लिए रवाना हो रहे हैं। और उनके यात्रा की सबसे अहम बात ये है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वे सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ योग करेंगे। आपको बता दें कि सूरीनाम की यात्रा करने वाले रामनाथ कोविंद जी पहले भारतीय राष्ट्रपति होंगे। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, भारत ने अमेरिका की ओर से कुछ सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के विरोध में 30 प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटी पर से छूट खत्म कर दिया है। इस बारे में एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की ओर से भारत के स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर ड्यूटी बढ़ाए जाने के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि चाचा अपनी अंतरात्मा को झकझोरिए और जगाइए ताकि किसी बेबस बाप अपनी पत्नी और बेटी को गया जैसी वाक्या फिर से ना देखना पड़े। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में आज 3 मैच हो रहे हैं और इसके पहले मैच में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया है, जबकि दूसरे मैच में अर्जेंटीना का मुकाबला आइसलैंड से होना है और तीसरे मैच में पेरू का मुकाबला डेनमार्क से होगा। आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे दिन ईरान ने मोरक्को को और उरुग्वे ने मिस्र को हरा दिया था, जबकि स्पेन और पुर्तगाल के बीच मैच ड्रॉ रह गया था। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, रणबीर कपूर के आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप कंफर्मेशन के बाद उनके फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, क्योंकि इससे पहले रणबीर कपूर कैटरीना कैफ के साथ लव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। हालांकि अपने रिश्तों को लेकर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत कम बोलते हैं। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, गूगल की गलती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां गूगल ने इससे पहले पीएम मोदी को फेकू और राहुल गांधी को पप्पू बताया है, वहीं गूगल ने अब सलमान खान को बॉलीवुड के सबसे खराब एक्टर बता रहा है। इस लिस्ट में तुषार कपूर, हिमेश रेशमिया, नरगिस, जैकी भागमानी आदि के नाम भी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान अभिनीत फिल्म रेस 3 रिलीज हुई है और ऐसे में गूगल की ये गलती सलमान के पर्सनैलिटी को कम करने जैसा है। तो ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।